शुरुआत गंगा की उस प्रतिज्ञा के साथ जो कोरोना काल में हर एक देशवासी को लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से गंगा में इस वक्त शव तैर रहे हैं उससे गंगा की स्वच्छता एक बार फिर से खतरे में आ गई है। आज ये रिपोर्ट उन सभी लोगों के लिए देखना बहुत जरूरी है जिन्होंने जीवनदायिनी गंगा को इस हाल में लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है वो दिल को झकझोर देने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए और कोरोना के इस काल में गंगा को निर्मल बनाने की प्रतिज्ञा लीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये प्रतिज्ञा लेना आज बहुत जरूरी है। जहां कभी गंगा जमुना का मिलन होता था तो हर्ष और उल्लास से पूरा शहर झूमने लगता था, गाने लगते थे लोग, मचलने लगते थे मन, धड़कने लगते थे दिल। लेकिन आज संगम नगरी का ये मंजर देखकर कलेजा बैठ गया। काश ये हकीकत नहीं कोई फसाना होती। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले दिनों गंगा किनारे कई जगहों पर बहुत बड़ी संख्या में शवों को दफना दिया गया था। शवों को इतनी बड़ी संख्या में दफनाया गया था कि जो शमशान घाट हैं वो पूरी तरीके से कब्रिस्तान में तब्दील होते नजर आने लगे थे। एबीपी गंगा ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और आशंका ये जताई जा रही थी कि अगले महीने जब मानसून की बारिश होगी, गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, मिट्टी का कटान होगा, तब जो तमाम शव वो गंगा में समाहित हो सकते हैं। जिस गंगा के आचमन से जिंदगी भर के पाप धुल जाते हैं, बड़े बड़े रंग खुद को राजा समझ लेते हैं, उसे आज लोगों ने शवों को ढोने का जरिया बना लिया। जिसने गंगा की स्वच्छता पर खतरे का साइन बोर्ड लगा दिया है, एबीपी गंगा ने अभी हाल ही में गंगा किनारे शवों को दफनाए जाने की रिपोर्ट विस्तार से आपको दिखाई थी और बताया था जब गंगा का स्तर बढ़ेगा तो ये शव गंगा में बहने लगेंगे, और अब वही होने लगा। पिछले दिनों ताऊते तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश में जो बारिश हुई उसकी वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि गंगा का प्रवाह तेज है, जल स्तर बढ़ गया है और इसकी वजह से मिट्टी का कटान काफी तेजी से होने लगा है, और मिट्टी का कटान होने से तमाम जो शव गंगा के किनारे दफनाए गए थे वो अब गंगा नदी में उतराते हुए थोड़ा थोड़ा हिस्सा उनका गंगा नदी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर सिर्फ मानवता को झकझोर कर रख देने वाली नहीं बल्कि नाकामी की वो दास्तान है जिसे सरकार की लाख हिदायत के बाद शवों को गंगा किनारे दफनाया जाता रहा और प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखता रहा। अब गंगा में समाते इन शवों को देख प्रदूषण भी अपने अहंकार में आ गया। अभी तक कोई भी शव साफ कर देना चाहते हैं कि अभी तक कोई भी शव गंगा में समाहित नहीं हुआ है, लेकिन उनके कुछ हिस्से जरूर गंगा नदी में वो छूते हुए नजर आने लगे हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में स्थिति काफी खराब हो जाएगी और जो प्रशासन है, जो सरकारी अमला है, वो परंपराओं की दुहाई दे करके आंख मूंदे हुआ है, कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। यानी अगर कुछ सेंटीमीटर जल बढ़ता है गंगा का, थोड़ी सी कटान और होती है, अगर आधे फीट भी कटान और होती है तो दर्जनों की संख्या में शव गंगा में समाहित हो जाएंगे। क्योंकि अब ये कहने से काम नहीं चलेगा, सनातन धर्म में नदी में शवों को बहाने की परंपरा या बौद्ध धर्म में शव का अंतिम संस्कार नहीं दफनाते रहे, ये दलील पहले के जमाने में ठीक लगती थी, क्योंकि गंगा को बचाना, उसकी निर्मलता को संजोए रखना, उसकी स्वच्छता का मान रखना हम सबकी जिम्मेदारी। 3.5 दशक पहले राज कपूर भी गंगा के मैले होने की दुहाई दे चुके हैं, पर इन बीते सालों में हमने गंगा को और ज्यादा मैला किया है। रही सही कसर इन शवों को गंगा के पास दफना कर पूरी कर दी। कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो बौद्ध धर्म को मानती हैं, जो कि वो अपने धर्म को मानते हुए गाड़ देते हैं, कुछ गरीबी के नाते से गाड़ देते हैं, और ये परंपरा हमेशा चली आई है। आइए बहुत दिन से परंपरा चल रही है। कहाँ से आने लगे शव, कैसे नदियों की धारा शवों से फट गई, ये रूह कपा देने वाली तस्वीर उन्नाव के बांगरमऊ तहसील के जाजा मऊ से बहती गंगा नदी के घाट की है, जहाँ 2 दिन की बारिश के बाद जब रेत ने अपना चेहरा हटाया तो ये भयानक मंजर नजर आया। दरअसल कोरोना काल में लगातार हो रही मौत के बाद शमशान घाट के बाहर लंबी कतार थी, तो शमशान घाट में जब शवों के अंतिम संस्कार को लेकर अपनी बेबसी जाहिर कर दी तो लोगों ने अपनों की चिताएं सजाने से बेहतर शवों को दफनाना ज्यादा बेहतर समझा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी तेजी से बढ़ी और लोग अपने अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। संक्रमितों का आंकड़ा रोजाना इतना तेजी से बढ़ता गया कि जब मृतकों का लेकर के उनके परिजन घाट किनारे पहुंचे तो उन्हें
अंतिम क्रिया की जगह दफनाना पड़ गया। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के खेरेश्वर घाट के सामने, उन्नाव जिले में लगने वाली बांगरमऊ तहसील है जाजामऊ पे, और यहाँ पर वो तस्वीर आपके सामने हम लाए थे जिसमें आपने देखा था कि कैसे अपने अपनों को अंतिम संस्कार ना करते हुए, उनका दाह संस्कार ना करते हुए दफना दिया गया था। ये वही जगह है और आज भी आपको देखिए बदस्तूर वैसे ही हालात हैं, जो लोग यहाँ पर दफना दिए गए थे वैसे ही सीतारामी देखी जा सकती है और सीतारामी को देख करके पहचाना जा सकता है कि कितने शव अभी भी गंगा के किनारे दफन पड़े हैं। जमीन से बाहर आए शव अब बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं, जो इस महामारी को नया रूप दे सकते हैं, क्योंकि अब घाटों पर सबसे ज्यादा जानवरों का डेरा। ये सिर्फ प्रयागराज या उन्नाव का हाल नहीं, रायबरेली भी इसी भयावह मंजर के खौफ के साथ तले सांस ले रहा है। जहां गोगना, ये गासो, दलमऊ पर बड़े स्तर पर शवों को दफनाने का काम किया जाता है, लेकिन बारिश ने यहां की सच्चाई को बाहर ला दिया है, क्योंकि यहां सिर्फ रायबरेली नहीं, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जैसे जिलों से लाशें दफनाने के लिए लाई जाती है। 25 दिन की तो ये जितनी है लगभग कितनी होंगी लाशें? 70 सी होंगी। तो अभी हाल ही के सब हैं जी, तो जलाए नहीं गए इनको? नहीं। काहे जलाए नहीं लोग? जो गरीब हैं वो नहीं जलाते हैं। हाँ हाँ, तो कितना गहरा किए होंगे? ज्यादा गहरा है कि बस थोड़ा बस? ये तीन तस्वीरें नहीं है, ये गंगा की पीड़ा का वो सैलाब जो चीख चीख कर कह रहा कि बचा लो, अभी भी वक्त, बचा लो अपनी आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि गंगा के बिना सब सूना है। कि कोरोना काल में गंगा को बचाने की प्रतिज्ञा नहीं ली तो गंगा की निर्मलता, उसकी स्वच्छता हमेशा हमेशा के खतरे में पड़ जाएगी। प्रयागराज से मोहम्मद मोई, उन्नाव से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। गंगा को बचाने की प्रतिज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा गांव को बचाने की भी लेनी चाहिए, क्योंकि शहरों से शुरू हुआ तांडव गांव में कोहरा मचा रहा है। लोग महामारी से कराह रहे हैं, हालात इतने बदतर हो गए हैं कि जिन गांव की गलियां कभी गुलजार हुआ करती थीं, आज वहां मातम पसरा है। लेकिन किसी गांव में कोई जिम्मेदार अफसर झांकने तक नहीं आया। ये रिपोर्ट देखिए और कराहते गांव वालों की पीड़ा को समझिए, जिन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। कोरोना की मार से कराह रहे हैं गांव। सुल्तानपुर के मुरैनी गांव में 48 मौत का तूफान, दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, निकल रही है चीख। कब मिलेगी गांव को इलाज की भी? उत्तर प्रदेश में कोरोना ने गांव के हालात कितने बदतर कर दिए हैं, ये जानना और समझना हो तो कभी सुल्तानपुर के मुरैनी गांव चले आना, जहां कोरोना पिछले एक महीने में 48 लोगों की जान ले चुका है और अब भी ज्यादातर गांव वालों की तेज बुखार से सांसें फूल रही हैं। लेकिन मौत की 50 लगने के बाद कोई जिम्मेदार अफसर इस गांव में झांकने तक नहीं आया। न स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची, न लेखपाल आए, न कोई अधिकारी आया। अब तो पूरा गांव डर से कांप रहा है, कहीं उन्हें कोरोना ना हो जाए। 48 मौत की पुष्टि खुद आंगनबाड़ी ने की है, जबकि स्थानीय लोगों की माने तो मौत का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि कई लोग तो सर्दी, जुकाम और तेज बुखार में अस्पताल पहुंचते मर गए। कोई जांच टीम यहां आई नहीं, किसी कोई लोग जांच नहीं करवाए थे, लेकिन हमारे यहां माह अप्रैल में से लेकर आज तक कम से कम यहां 48 मौतें हुई हैं, जो कि सही है, एकदम एक एक की काउंटिंग हुई है। जब मरघट बन चुके गांव के बारे में सुल्तानपुर के जिलाधिकारी से पूछा तो वो ये कहकर पल्ला झाड़ गए कि स्वास्थ्य विभाग की टीम मुरैनी गांव में भेजी जा चुकी है, जबकि सच क्या है ये पूरा गांव जानता है, क्योंकि जांच तो छोड़ी कोई झांकने तक नहीं आया। उस गांव के बारे में बताया जा रहा था कि वहां पे लोगों की संभावित कोविड से मृत्यु हुई थी, इस विषय में स्वास्थ्य टीम ने भी चेक किया था और हमारे SDM साहब ने भी जाके वहां चेकिंग कराई थी। ऐसा कोई विशेष क्या कहते हैं अपवादात्मक केस नहीं था, जैसा नॉर्मल कोविड का वो था उस तरह का था। जब वहाँ पर टेस्टिंग कराई गई, हालांकि टेस्टिंग कम ही जगह हुई थी क्योंकि उस समय वहाँ पे थोड़ी रिलैक्सेंस थी, लेकिन जो भी टेस्ट कराया गया उनमें कोई भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया। लेकिन ये सिर्फ सुल्तानगंज के मुरैनी गांव का ही हाल नहीं है, हर जिले के गांव की सूरत हाल कुछ ऐसी ही है। महाराजगंज के खैराटी गाँव में महामारी की मार,
15 दिनों में 20 मौत से मचा हाहाकार। महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग की बेरुखी, खैराटी गांव में पिछले 15 दिनों में 20 से ज्यादा गांव वालों की जान ले चुकी है, जिसमें ज्यादातर ने खांसी, बुखार, सांस लेने की कमी से दम तोड़ा था और अभी भी ज्यादातर गांव वाले बुखार से तप रहे हैं। हमारे गांव में 20-22 दिन में 18-20 लाश निकल चुके हैं। मैं ये सोचता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग आ करके यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुट करके हमारे ग्राम सभा का जांच कर ले। पूरे गांव में कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया कि जिस गांव की गलियां कभी गुलजार रहती थी, उस 5,000 की आबादी वाले गांव में अब सन्नाटा पसरा। मेरे गांव का स्थिति आज खराब होते चला जा रहा। महामारी के समय से, जब से ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ उसके बाद से काफ़ी संख्या में लोग की मृत्यु हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार स्वास्थ्य विभाग की टीम आए अपने गाँव में और सभी को जो भयमुक्त करे, सबका सर्वे ले, सबका जांच पड़ताल करे। हमारे गांव में बहुत दिक्कत है। 20-22 दिन के अंदर में कम से कम 20 लाश जा चुका है। एक एक घर का दो लाश गया है। जब इस गांव की बदहाली की जानकारी SDM साहब को हुई तो उन्होंने गांव में कैंप लगाकर जांच कराने की बात कही, लेकिन काश ये कदम 15 दिन पहले उठा लिया होता तो शायद कुछ लोगों की जान बचाई जा सकती थी। जैसे कि आप लोग के माध्यम से अभी तत्काल पता चला है, तो हमने जो है कल वहाँ टीम जो है, जो कोरोना जांच की वाली टीम है और डॉक्टर की टीम, दोनों वहाँ लगा दी है। और ऐसे कहीं भी, मैं यहाँ के क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ लोग चाहें ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं, तुरंत हमें सूचना दें ताकि हम वहाँ पर टीम लगा करके और तत्काल दवा का वितरण हो जाए और हम जो है कोरोना से कहीं ना कहीं जो है पूरे सुरक्षित। गांव महामारी के मार से करा रहे हैं, प्रशासन आंखों पर बेशर्मी का चश्मा लगाए सब चुपचाप देख रहा है। शामली जनपद के पेलका, कच्ची गड़ी और मलेंडी गांव में कोरोना दर्जनों लोगों की जिंदगियां खा चुका है और अब तो दूसरी बीमारियां भी गांव में पैर पसारने लगी। लगभग 1.5 महीने के कार्यकाल में हमारे गाँव में लगभग 23 मौतें हो चुकी है। गाँव में भय का माहौल है, मेडिकल की कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स यहाँ पे कभी चेकिंग के लिए नहीं आए। शासन प्रशासन दावा कर रहा है कि गांव में व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। 62,000 गाँव को कोरोना छू तक नहीं पाया, लेकिन जिन गाँव में फैला है वहाँ के हालात बहुत भयावह हैं। अगर देख लेंगे तो रूह कांप उठेगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जान जाती है तो सिर्फ आह निकलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। गंगा चीख रही है, गांव मरघट बने हुए हैं, लेकिन लोग हैं कि महामारी से जानलेवा मजाक कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको जो तस्वीर दिखाने वाले हैं उन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि कहीं हवन से कोरोना को भगाया जा रहा है तो कहीं हवन की पूरी एक्सप्रेस ही चलाई जा रही है। अंधविश्वास की ये तस्वीर महामारी के दौर में जहर से कम है। कोरोना काल में बेशर्मी वाली बदइंतजामी, ईंटों के सहारे खड़ा लाचार व्यवस्था का तंबू, दुनिया के इतिहास में किसी महामारी से ऐसा मजाक किसी देश ने नहीं किया होगा जैसे हमने किया। अमेरिका वाले हंसते होंगे, ब्रिटेन वाले सोचते होंगे वह क्या इंतजाम है, क्योंकि इंतजाम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे कानपुर के उस हैलेट अस्पताल का, जिसे महामारी के दौर में मरीजों की जान बचाने का जिम्मा सौंपा है। और क्या खूब जिम्मा संभाला है हैलेट अस्पताल ने। जब बेड को टिकाने के लिए कुछ न मिला तो ईंटों के सहारे खड़ा कर दिया गया। देखिए इस चंद सेकेंड की तस्वीर और समझिए इस बेड पर लेटे इस मरीज की पीड़ा को, जो कोरोना की बीमारी से तो लड़ ही रहा, साथ ही साथ अस्पताल की इस बेशर्म व्यवस्था से भी जूझ रहा है। यह तस्वीर हैलेट अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है। लेकिन बदहाली और बदइंतजामी का सिर्फ यही लेवल नहीं है। आजमगढ़ में तो सारी हदें ही पार कर दी गई, जहां मंडलीय चिकित्सालय के कोविड टेस्ट सेंटर पर जांच को पहुंचे मंडलायुक्त के सामने ही एक लैब टेक्नीशियन शराब के नशे में झूमता नजर आया। लैब टेक्नीशियन को संदिग्ध हालत में देख जब मंडलायुक्त ने कुछ पूछा तो उसने एक मिनट में बता दिया क्या सुबह से पी रखी है। तो इंस्पेक्शन में साफ सफाई तो खैर ठीक मिली है, लेकिन LT
जो यहाँ तैनात हैं वो लोग ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से इस समय मतलब अनधिकृत रूप से गायब रहते हैं जी। उसके लिए मैंने यहाँ पे SIG साहब को कहा है, उन सबकी लिस्ट तैयार करेंगे कहाँ है किधर है। अब इस तस्वीर को देखिए और सोचिए कैसे महामारी के दौर में लोग अंधविश्वास में पड़े हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि कोरोना का इलाज सिर्फ और सिर्फ सावधानी और वैक्सीन है, लेकिन फिरोजाबाद के लोगों ने महामारी को भगाने का अलग ही तरीका खोज निकाला। हवन का एक तो वायु शुद्धि के लिए हवन है, और कोरोना जैसी महामारी के लिए बीमारियों को और इनको सबको जो है उसके लिए हवन का जो है कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर रखा है। आगरा की जनता तो फिरोजाबाद से भी आगे निकल गई। फिरोजाबाद में तो सिर्फ हवन हो रहा था, आगरा में तो हवन की पूरी एक्सप्रेस चला दी गई। ये सब तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि महामारी को लोगों ने मजाक समझ रखा है, और ये हालात तब है जब हर रोज हजारों लोग मर रहे हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिक दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और अब बात अखिलेश यादव के गढ़ में योगी की। आज CM योगी कोरोना के इंतजामों का जायजा लेने समाजवादी पार्टी के गढ़ सैफई पहुंचे, जहां उन्होंने मौजूदा इंतजामों का जायजा लिया, लेकिन साथ ही साथ बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अब जानकार CM योगी के इस दौरे के मायने निकाल रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार था जब CM योगी सैफई पहुंचे थे। अखिलेश यादव के गढ़ में योगी की दहाड़, पहली बार सैफई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। वैक्सीन पर वार, अखिलेश पर योगी का पलटवार। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों में जुट गए, और इसी का जायजा लेने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के गढ़ सैफई में पहुंचे। यूं तो CM योगी कोरोना काल में अलग अलग जिलों में जाकर जमीनी हालातों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन उनका ये सैफई दौरा कई मायनों में खास था। खास इसलिए कि पहली बार मुख्यमंत्री योगी सैफई पहुंचे थे, दूसरी बात ये कि सैफई अखिलेश यादव का सबसे बड़ा गढ़ है, और इसकी झलक CM योगी के इस दौरे में साफ साफ देखने को मिली। CM योगी ने अखिलेश यादव का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पलटवार करते हुए बता दिया कि उनका निशाना किस पर था। हम चिन्हित करेंगे कि 10 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे हैं उनके माँ बाप को भी हम वैक्सीन से आच्छादित करने की कार्रवाई कर सकें, और थर्ड वेव के पहले एक सुरक्षा कवच हरेक परिवार को भी उपलब्ध करवाने का कार्य कर सकें। सरकार की ये कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। योगी के सैफई पहुंचने से भाजपाई खेमे में जोश भर गया। इटावा की अगर बात करें, इटावा की जो ज़मीनी हकीकत की बात करें, कोविड हॉस्पिटल की या सैफई को भी आपने नज़दीकी से देखा होगा, क्या आपने यहाँ पाया है, किस तरह की कमियाँ रहीं, क्या यहाँ प्रशासन के द्वारा सुविधाएँ दी गई, उस पर आपको चर्चा होगी? ठीक है, स्टार्टिंग में तो बहुत गड़बड़ियाँ रहीं, लेकिन लोग प्रिपेयर नहीं थे और ठीक से व्यवस्था नहीं रही, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद तो सारी व्यवस्थाएँ ठीक हो गई। अधिकारियों ने भी मेहनत की और सब लोगों ने मिलकर फिर सारी व्यवस्थाओं को ठीक किया, और अब तो कोई कठिनाई नहीं है कोई। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी खेमे में बेचैनी खोलकर देखने को मिली। जब ABP गंगा ने सपा नेता धर्मेंद्र यादव से बात की तो वो सैफई के मेडिकल कॉलेज का पूरा इतिहास सुनाने लगे। देखिए, मुख्यमंत्री सैफई आए, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, सैफई उत्तर प्रदेश का ही अंग है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आज नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद आना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सैफई का दौरा किया होता तो शायद उन्हें एहसास होता कि जो माननीय अखिलेश यादव जी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे थे, जिसका काम पिछले 4 सालों से रुका पड़ा है, मदर एंड चाइल्ड केयर का एक अलग पूरा का पूरा कैंपस बन रहा था जिसका काम लगातार रुका हुआ है, सैफई मेडिकल कॉलेज से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश मेडिकल कॉलेजों की या सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो दुर्दशा है, यहाँ का ऑक्सीजन प्लांट पिछले कई सालों से ख़राब था, जो अभी जाके कुछ सही हुआ है, और कुछ प्लांटों की अब बात वो कर रहे हैं लगाने की। तो मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री जी आए, लेकिन उनको बहुत पहले आना चाहिए था, तो शायद ये सैफई मेडिकल कॉलेज बहुत सारे लोगों को और बचाने में सक्सेस होता, सफल होता। सैफई में ये सिर्फ मुख्यमंत्री योगी का पहला दौरा नहीं था, बल्कि पहली बार
भाजपा का कोई मुख्यमंत्री सैफई पहुंचा था। सैफई में सीएम योगी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए हर मेडिकल कॉलेज को 100 बेड का आईसीयू बनाने के निर्देश दिए गए, साथ ही हर जिला अस्पताल में 25 से 30 बेड का आईसीयू के निर्माण शुरू कर दिया गया और केंद्र के सहयोग से 300 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट शुरू होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने आज 3,07,000 टेस्ट किए हैं, 24 घंटे में 3,07,000 टेस्ट। और अगर हम लोग प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में किए गए टेस्ट की बात करें तो ये संख्या हमारी 4,65,00,000 को क्रॉस कर जाती है। देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट है। पॉजिटिविटी रेट एक समय उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 17% के आसपास पहुंच चुकी थी, आज वह घट करके 2.4% के आसपास है। CFR प्रदेश का 1% के आसपास है। रिकवरी रेट 93% से अधिक है, जो देश के अंदर सबसे अच्छा है। यूं तो सीएम योगी ने शनिवार को कानपुर का दौरा भी किया, लेकिन लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी सैफई दौरे में नजर आई। अब सब अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाल रहे हैं, लेकिन सीएम योगी का आना और अखिलेश यादव पर उनके ही गढ़ में निशाना साधना बता रहा है कि जो बात यहां से शुरू हुई है वो दूर तक जाएगी। सैफई से मोहम्मद फारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।